एक बिलेट आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं अनिल खत्री इस समय सरकथल गांव में मौजूद हैं और खो-खो की जो है नॉर्थ जोन की दूसरी प्रतियोगिता यहां पर चल रही है। हमारे साथ आप देख सकते हैं समस्त ग्रामवासी और सरपंच मौजूद हैं। आज के जो आयोजक हैं समस्त ग्रामवासी सरकथल गांव के जो इसके आयोजक हैं और आज के बहुत सारे चीफ गेस्ट भी यहाँ पर आए थे। और इधर आप देख सकते हैं कि ये प्रतियोगिता दो दिन तक चलेगी, आज और कल के यहाँ पर खेल रहेंगे और जो इनाम है वो 51,000 रुपये का यहाँ पर पहला इनाम रखा गया है। तो सरकथल गाँव से ही सरपंच के भाई है, राजेश के भाई जो है खेतल, इनसे ही हम जानने का प्रयास करेंगे। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी। राम राम जी। तो आपके गांव में ये प्रतियोगिता करवाई गई है, क्या कहना चाहोगे? देखो ये बच्चे हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं पहले भी कई बार खेल के आ चुके थे और इनकी दिली इच्छा थी कि हम अपने गाँव में भी खेल दिखाएं। अच्छा फिर इनकी इच्छा हुई एक भाई और अड़ोसी पड़ोसी स्टेटों से भाई शहरों से और बच्चों को भी बुलाएं, टीम का थोड़ा ये प्रोग्राम करने की इनकी इच्छा थी। हमने सोचा इन बातचीत करी वहाँ पर, ठीक है जो भी अपना सहयोग होगा हम देंगे। अच्छा हमसे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ गए, इन बच्चों ने खुद इतनी ज़्यादा मेहनत करी, उसके साथ साथ जिसकी जिसको भी हमने इन्वाइट करने की वो करी, बढ़ चढ़ गए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इनाम उम्मीद से भी ज़्यादा इनाम दे रहे हैं। अच्छा दूसरी बात है, व्यवस्था किस तरह की है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, पानी की, बिजली की, रहने सहने की कोई 1% भी किसी को दिक्कत नहीं है। एम्बुलेंस भी यहाँ खड़ी है। अच्छा टीम भी, डॉक्टरों की टीम भी यहाँ प्रेजेंट है। और कहाँ कहाँ से टीम आई हुई है यहाँ पे? टीम यहाँ इलाहाबाद, प्रयागराज, इटावा, गंगानगर, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यानी कि पूरा नॉर्थ है भारत से, काफ़ी 29-30 टीम के करीब आ चुकी है यहाँ। तो ये दो दिन की प्रतियोगिता है? हाँ आज और कल ये प्रतियोगिता रहेगी और कल फाइनल हो जाएगा इसका। और कुछ चीफ गेस्ट आ जाए हैं, कुछ कल आएंगे। गांव का किस तरह का सहयोग रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो भी हम सोच रहे थे ना उससे भी ज़्यादा, उम्मीद से भी ज़्यादा रिस्पांस रहा है, पूरा साथ दिया है। तो क्या मानते किस तरह का फायदा होगा गाँव को? अब फायदा ये होगा, अब आज खो-खो का है, हो सकता है अगले साल 6 महीने के अंदर अंदर कबड्डी का, कुश्ती का, कुछ ना कुछ और प्रतियोगिता करवाई जाए। और हम ये चाहते हैं भाई हर साल खेल प्रतियोगिता के कारण एक दो बच्चा सेलेक्ट कहीं ना कहीं होता रहे और नशे पते से भी बच्चे बच के रहेंगे, दूर रहेंगे, इससे ये फायदा भी है। और भी जो है कोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है? धन्यवाद। मेरा नाम अजय डीपी है, मैं यहाँ डीपी पोस्ट पर रहा हूँ, 7 साल नौकरी की है मैंने यहाँ। और ये जो बच्चे खेल रहे हैं हमारे बच्चे ही हैं, मेरे साथी जूनियर ये संदीप है, हम सारे मिलकर ग्रामवासी हैं, हमारे सरपंच साहब हैं। और जो ये जो 2 दिवसीय प्रतियोगिता करवाई हुई है हमें, इसका श्रेय हमारी ग्राम पंचायत को सुदेश जी, धर्मवीर जी, सरपंच साहब और भी साथी हैं, सुभाष जी हैं, इनका बड़ा। ये दिन रात लगे हुए हैं, इतनी गर्मी होते हुए भी ये पूरी रात नहीं सोए, ये हमारे साथ लगे हुए हैं, सारे बच्चे भी हमारे अंथक कार्य कर रहे हैं 2 दिन से, ताकि कोई प्रतियोगिता में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, किसी को परेशानी ना हो, चाहे वो सोने की, ठहरने की, खाने की व्यवस्था है। इन्होंने पूरा दिल से प्रयास किया है। अगर मान ले हमारे से कोई अनजाने में जाने में गलती हो जाती है, मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप लोगों का भी धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला गेम को बढ़ावा देने के लिए। हमारा स्वदेशी गेम है खो-खो, और इसको हम कैसे भविष्य देखते हैं खो-खो में? खो-खो में वैसे तो हम तो बचपन से ही खेलते आ रहे हैं और आज हमारे बच्चे भी खेल रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हम इस तरह का ये प्रतियोगिता यहाँ जारी कर पाए और प्रयास भी चल रहा है। इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी इसका चल रहा है प्रोसेस, एशियन खेलों में अभी इसका सरकार प्रयासरत है, शायद अगले नेक्स्ट एशियन में इसका संभव हो खेल हो। धन्यवाद। पीछे जो मैं जो बेटी गोल्ड मेडल जीत कर आई थी वो इसी गांव की थी और उनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, हाँ पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे? आपके गांव में आज ये प्रतियोगिता हो रही है, आपकी बेटी भी जो है एशिया में गोल्ड मेडल जीत कर आई थी। ये तो गांव की बेटी, गांव ने उसको सहयोग किया है, हर गांव ने खेला है, हर मैं दोनों को भगवान करे, मेरी बेटी भी और भी लड़की मेरी ओलंपिक तक ही जाए, खेल आगे बढ़ जाएगा और बहुत बढ़िया खुशी रहेगी। मेरे गाँव का नाम रोशन होगा, हरियाणा का नाम आओगा, बहुत बढ़िया बात है। मतलब इनकी कोच साहब की, इसकी डीपी साहब, संदीप साहब की बड़ी वो करता हूँ भाई, मतलब अपना काम छोड़ के यहाँ आते हैं, शाम को 8 बजे अपर जाते हैं, कोई ना कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। इससे पहचान सरकथल गांव की आपकी बेटी जब जीत कर आई, पूरा नाम रोशन हुआ गांव का और दूर दूर तक चर्चे हुए सरकथल गांव के, कैसा लग रहा था? बहुत बढ़िया था, ये तो गाँव की भी बात थी।
गांव का नाम रोशन हुआ था, बहुत बढ़िया बात। आज एक ये प्रतियोगिता हो रही है नॉर्थ जोन की, इसमें भी सरकतल गांव की पूरी चर्चा रहेगी। हम तो नहीं होगा जी, मतलब खेल होते रहे, सरकतल गांव का नाम आता रहे। अरे कोई लड़का नौकरी लग रहा है इसके खेल के, उससे कोई ओलंपिक में जा रहा है, कोई एशियाड में जा रहा है, कोई नेशनल में जा रहा है, हमारा चलता रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा जी, हम तो खुशी है जी। इंदू के भाई है, क्या नाम है? नितेश। अच्छा, आप भी खो खो खेलते हैं जी, क्या कहना चाहोगे खो खो के बारे में और आज आपके गांव में ये खेल हो रहे हैं? मैं बहुत खुश हूं कि मेरे गांव में दूसरी बार ये खो खो प्रतियोगिता करवाई जा रही है। ये सभी मेरे गुरुजी अजय कुमार और संदीप सर और सुनील सर, ये इनकी देन है। अजय कुमार ने हमें बहुत ज़्यादा शिक्षा प्रदान की है गेम में, यही हमारे गुरु हैं, माता पिता से भी बढ़ के माना। कितने साल हो गए आपको खो खो खेलते हुए? मैं करीबन 9 साल हो गए, 8 से 9 साल। आज आपके गांव की टीम भी खेल रही है? जी, मेरे गांव की टीम भी खेली है। मैं अभी झज्जर से, किस तरह का परफॉर्मेंस अब तक रहा है? अभी हमारा झज्जर से मैच हुआ था, हम मैच वो विन रहे। अच्छा। तो हम अगले मैच के लिए अच्छी प्रैक्टिस की हमने, पूरे टूर्नामेंट में हम अच्छा करके दिखाएंगे। और भी ग्रामवासी हमारे? जी जी। अच्छा, शुरुआत में हम ये सोच रहे थे कि भाई गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के मौसम में शायद बड़ी गलती ना हो गई हो, लेकिन वो झिझक हमारे मन से निकलेगी क्योंकि इतना अच्छा चल रहा है और बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। टीम 1% भी हम बोल रहे थे वो थोड़ा दिन में दो पर को थोड़ा रेस्ट दे दें, बच्चे बोले हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, हम तो खुश हैं इधर, तो हमें भी खुशी हो रही है और बच्चों की भी है। इधर भी चल रहा है, दूसरे ग्राउंड में भी चल रहा है, तो सब बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और हम चाहेंगे उनके रुकने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनको लेके आना स्टेशन से, बस स्टैंड से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और रहने सहने की वाटर, ये कूलर लगा रखे हैं बढ़िया, अच्छा, हर कमरे में पंखे हैं और गद्दे वद्दे, खाने की अच्छी व्यवस्था है दोनों तीनों टाइम की। धन्यवाद। गांव के और भी जो लोग हैं मौजूद हैं हमारे साथ, सर क्या नाम है? सज्जन कुमार जी। अच्छा, आपके गांव में आज ये खेल हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। मेरे गाँव में जो देखो खेल, कम्पिटिटिव टेस्ट हो चाहे खेल हो, जो जिस चीज में ये कम्पिटिशन हो जाए, कितनी टीम आई है, यूपी की कई टीम है, राजस्थान की कई टीम है, 13 टीम तो हरियाणा से और 15 टीमें आउट ऑफ स्टेट से, और ये इतनी इनका कंपटीशन हो रहा है और सारी टीमें जो खो खो की हैं उत्तर भारत की, वो सारी टीमें बहुत बढ़िया बढ़िया आई। और कंपटीशन किसी चीज़ में होता है ना, वो हमेशा एक अच्छा खेल देख आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है जी, बहुत बढ़िया। नंबरदार जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे गांव में खेल होने थे, सर यहाँ इसे बढ़ाओ, बच्चों को आवा है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, आप क्या कहना चाहोगे जी? हम भी ये कहना चाहूँ कि जो हमारे गांव में खेल हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ इसका खाने का प्रबंध, पानी का, रहने सहने का अच्छी तरह से प्रबंध किया हुआ है कमेटी ने, और ठीक खेल मैच चल रहे हैं, 28 टीम में बाहर गया। आज के जो मुख्य अतिथि हैं रोशन सरपंच अचमारिया से हमारे साथ मौजूद हैं, MD रोहतक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरपंच साहब, आप यहाँ पहुँचे हैं, खो खो प्रतियोगिता चल रही थी, कैसा लगा, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, सबसे पहले मैं अपने सरकतर गांव की ग्राम पंचायत में जुड़े ग्राम रहा है भाई, बहुत ही मान सम्मान दिया और बहुत ही अच्छा लगा मैंने, बच्चे अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे बढ़े हैं। आपने सहयोग भी किया है, नहीं भाई इनका भाग का था वो दे दिया हमने। MD रोड तक भी है जी, आप क्या कहना चाहोगे? बस ये सारा रनो है, सूत्र तेरे लगन तक खेले जाओ, का खेल करवाते रहो सब नु भैया, काम बड़े मीडिया की तरफ देखो, उधर मीडिया की तरफ अजय, मोहित पहलवान, काला पहलवान, उनको भी पगड़ी पहना कर नंबरदार। काम कंधे चौपट कर दिए हैं, जिसमें एक काम फोटोग्राफी का भी है। संदीप